बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टाउन ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर पे बेस्ड होगा, और हम उनका सिलेबस देखेंगे, और इंशाल्लाह ताला विद कमिंग लेक्चर्स हम डिफरेंट सोर्सेज से उनके एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे। टाउन ऑफिसर की जो पोस्ट है वो बीपीएस 16 की है, और क्लियरली का जो सिलेबस है वो भी शो किया गया है कि 20% इंग्लिश होगी और 80% जीके होगी। अब इंग्लिश में अगर हम देखें जो कि एसपीएससी जितने भी पेपर्स लेती हैं, तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है वो इनोलॉजी का, चाहे वो स्क्रीनिंग हो या उससे पहले जितने भी पेपर हो चुके हैं, असिस्टेंट इन क्लाइमेट या असिस्टेंट स्पोर्ट्स, असिस्टेंट इन यूथ अफेयर्स, ये जितने भी अगर आप पास पेपर्स देखें तो उसमें एनोलॉजी का पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और उस पर 3 से 4 मतलब ज़्यादा जो उनकी जो अप्रोच होती है वो एनोलॉजी की तरफ होती है, क्योंकि वोकैबुलरी का पोर्शन होता है और उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देते हैं और उनकी मतलब रिकॉग्नाइजेशन करना मतलब एक टफ होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। फिर इडियम्स को वो टारगेट करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करते हैं वो, इसके अलावा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जिनको हम फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है और जिसमें करेक्शन वगैरह ज़्यादातर होती है। फिर जीके का अगर हम पेपर देखें तो वो पाकिस्तान अफेयर्स पे होता है, उसमें प्री हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, फिर करंट अफेयर में जो कि करंटली क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या हुआ है फेमस इंसिडेंट्स है या कुछ अचीवमेंट्स है, जैसे कि अब इस साल मतलब 2021 के एंड तक मतलब जितने भी इवेंट्स हुए, चाहे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से लेकर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तक, जितने भी सवाल है उनमें से कोई भी मतलब वो पूछ सकते हैं। कुछ तो इम्पॉर्टेंट है क्रिकेट से रिलेटेड, जैसे कि रिकॉर्ड कुछ बने हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की जानिब से, तो वो उनको मतलब हिट करते हैं। फिर EDS को काफ़ी अच्छी तरीके से वो उसको देते हैं, जिसमें विटामिन्स और इसके अलावा मतलब जो EDS है वो अप टू 8 क्लास तकरीबन, अगर आप 6, 7, 8 का अगर सिलेबस देखें और इसके पास पेपर देखें तो वो उस पे ही होता है तकरीबन, वो ज़्यादा नहीं होता क्योंकि एल बेस्ड होता है, चाहे वो ह्यूमन सिस्टम से सवाल आए या फिर एस्ट्रोनॉमी से आए, जियोलॉजी से आए, जियोग्राफी से आए, वो मतलब ये सारे मतलब जैसे जनरल सेंसिबिलिटी का पेपर है ये इस तरह का पेपर होता है। अब म्यूनसिपल ऑफिसर का भी सिलेबस है तो 20% इंग्लिश 80% जीके। एक कंसर्न जो है कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी जितने भी बीपीएस 17 की एसपीएससी टेस्ट लेती हैं उसमें रिटन का पोर्शन होता है। प्रीवियसली भी कुछ ऐसे पेपर्स हुए थे जिनमें जैसे कि डायरेक्टोरेट ऑफ स्पोर्ट्स और डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ अफेयर्स बीपीएस 17 के, हालांकि वो भी इस मेंशन तो वो एमसीक्यूज की तरह थे कि दैट वुड बी कंडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट वहाँ पे रिटन पोर्शन था। तो एक ये भी चीज़ है कि मतलब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अब से या इनिशियली आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू की है तो यू मस्ट बी रेडी फॉर दिस थिंग टू के मतलब वो या इस स्टेज में ना हो तो सेकंड स्टेप इसमें बीपीएस 17 में रिटन का ज़रूर होगा। अब जो कि जीके का जैसे जो एफपीएससी की जीके होती है उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये जो जीके एसपीएससी की जीके उसमें सिंध के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर होती है, उसमें सिंध के जो प्लेसेस है जितनी भी सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें से कोई भी सवाल पूछते हैं कि मतलब लड़काना किस वजह से मशहूर है, हैदराबाद किस वजह से मशहूर है, कोर्ट की मतलब एनी डिस्ट्रिक्ट दे कैन आस्क, या फिर उन जगहों की फेमस चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, या उसके अलावा सर्टेन जो नेम्स जैसे कि मतलब अदीबों का शहर किसको कहते हैं, या फिर पूछेंगे कि अचार की वजह से कौन सा सिटी फेमस है, हवाओं का शहर किसे कहते हैं, रोशनियों का शहर किसे कहते हैं,
जो कि खजियों का शहर किसे कहते हैं, सो डिफरेंट ये सारी आती हैं। फिर पर्सनैलिटीज़ में ख़ास करके जो बायोग्राफी है शाह लतीफ़ की, उसमें से सवाल पूछ लेते हैं। फिर सिंध के जो सर्टेन प्लेसेस हैं जिनके ओल्ड नेम्स पूछते हैं, जैसे कि चांद का, लारकाना का है, नीरून कोट हैदराबाद का है, खानगढ़ जिकमाबाद का है। सो ये भी मतलब एक दो क्वेश्चंस, चाहे वो SPSC की मतलब स्क्रीनिंग होती है जो CCE के लिए कम्बाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, या और भी जितने वन पेपर होते हैं उसमें सिंध का GK का पोर्शन भी लाजमी होता है। तो इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टारगेट ऑल द पोर्शंस ऑफ दिस टेस्ट।